मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे इज 20 अगस्त। सब्जेक्ट इंग्लिश 2, स्टैंडर्ड 1। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इंग्लिश 2 में हम क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन में हम स्टार्टिंग से लेंगे। रिवीजन में नेम्स ऑफ एनिमल्स, ओके। यूनिट 5 क्या है? नेम्स ऑफ एनिमल्स। आपके पास ये ग्रामर की बुक है, इसमें से हम करेंगे नेम्स ऑफ एनिमल्स। नेम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? वन ग्रामर की बुक है, ओके। उसमें जैसे ही एनिमल्स लिखे मैं वो सारे नाम लिखती हूँ। कैमल, 2 नंबर पे गोट, 3 नंबर पे एलिफेंट, 4 नंबर पे हॉर्स, 4 नंबर पे हॉर्स, 5 नंबर पे फिश। अभी आपको स्पेलिंग भी याद कराऊंगी, फिश। 6 नंबर पे फॉक्स, 7 नंबर पे शीप, 8 नंबर पे रैबिट, 8 नंबर पे रैबिट, 9 नंबर पे टाइगर, 9 नंबर पे टाइगर, ओके, 10 नंबर पे मंकी, 10 नंबर पे मंकी, 11 नंबर पे लायन, 12 नंबर पे बियर, 13 नंबर पे कॉक, 13 नंबर पे कॉक, 14 नंबर पे पैरट, 14 नंबर पे पैरट, 14 नंबर पे पैरट, 15 नंबर पे स्नैक, 15 नंबर पे स्नैक, 16 नंबर पे आउल, 16 नंबर पे आउल, 17 नंबर पे गूस, 17 नंबर पे गूस, 18 नंबर पे बी, 18 नंबर पे बी, बी यानी मधुमक्खी, बी यानी मधुमक्खी, ओके। तो नेम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के हम नेम्स करेंगे, ओके। उसमें ये 18 नंबर तक है, ओके। तो पहले क्या है? कैमल। कैमल की स्पेलिंग CAMEL, कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। इसकी काट भी होती है, कैमल राइडिंग भी की जाती है। कैमल के पीछे क्या लगाते हैं? काट लगी रहती है, जिसमें हम वेजिटेबल्स ला सकते हैं, कुछ भी सामान लोड करके ला सकते हैं कैमल। और कैमल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंट। क्या बोलते हैं? ऊंट। तो कैमल की क्या स्पेलिंग होगी? CAMEL, कैमल, CAMEL, कैमल, CAMEL, कैमल। 2 नंबर पे क्या आता है? गोट। 2 नंबर पे क्या आता है? गोट, GOAT, गोट, GOAT, गोट। 3 नंबर पे आता है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी, ओके, एलिफेंट यानी हाथी।
ई हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। और हॉर्स की भी हम क्या करते हैं, राइडिंग करते हैं, जैसे कैमल राइडिंग होती है ऐसी हॉर्स राइडिंग होती है। हॉर्स के ऊपर हम बैठ के हॉर्स एक राउंड लगा सकते हैं या अच्छी तरह से हम राइडिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। फाइव नंबर पे आता है फिश, एफ आई एस एच फिश, एफ आई एस एस फिश। सिक्स नंबर पे एफ ओ एक्स फॉक्स, सिक्स नंबर पे एफ ओ एक्स फॉक्स। सेवन नंबर पे एस एच डबल ई पी शीप, एस एच डबल ई पी शीप। रेबिट, आर ए डबल बी आई टी रेबिट, आर ए डबल बी आई टी रेबिट, आर ए डबल बी आई टी रेबिट। नाइन नंबर पे टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर। नाइन नंबर पे क्या आता है, टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर। टेन नंबर पे मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी। और इलेवन नंबर पे लायन, एल आई ओ एन लायन, एल आई ओ एन लायन, एल आई ओ एन लायन। ट्वेल्व नंबर पे बियर, ट्वेल्व नंबर पे बियर, बी ई ए आर बियर, बी ई ए आर बियर, बी ई ए आर बियर। थर्टीन नंबर पे सी ओ सी के कॉक, सी ओ सी के कॉक, सी ओ सी के कॉक। फोर्टीन नंबर पे पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट। स्नैक, एस एन ए के ई 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 स्नैक। सिक्सटीन नंबर पे आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल। सेवेंटीन नंबर पे गूज, जी डबल ओ एस ई गूज, जी डबल ओ एस ई गूज। एटीन नंबर पे बी डबल ई बी, बी डबल ई बी। ओके, ये दीज आर नेम्स ऑफ एनिमल, ये सारे एनिमल्स हैं जो आपके यूनिट फाइव में हैं। ओके, अब यूनिट फाइव हो गया, अब यूनिट सिक्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अब इसमें लिखा है हैन के बेबी को हम क्या बोलते हैं, चिक। वन नंबर पे लिखा है, वन नंबर पे हैन के बेबी को क्या बोलते हैं, चिक। ओके, हैन के बेबी को क्या बोलते हैं, हैन के जो यंग वंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिक। तो हैन के बेबी को चिक। टू नंबर पे कैट, कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं, किटन। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं हम, किटन। कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं, किटन। डियर के बेबी को क्या बोलेंगे, डियर के बेबी को हम बोलते हैं फाउन, फाउन, एफ ए डब्ल्यू एन फाउन। शीप के बेबी को क्या बोलते हैं, लैम्ब। शीप के बेबी को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब।
हॉर्स के बेबी को डियर कैपिटल, ओके डियर, डियर के बेबी को हम क्या बोलते हैं फाउन, शीप के बेबी को लैम्ब, हॉर्स, हॉर्स के बेबी को फाउल, हॉर्स के बेबी को फाउल, ओके। Deer, cow के बेबी को क्या बोलते हैं calf, cow के बेबी को calf, dog के बेबी को puppy, dog के बेबी को puppy, dog के बेबी को क्या बोलेंगे हम puppy। एट नंबर पे elephant की बेबी को भी हम क्या बोलते हैं calf, एलिफेंट के बेबी को, एलिफेंट के बेबी को भी हम बोलते हैं काफ, इसलिए कहा एलिफेंट के बेबी को भी हम काफ कहते हैं। और गोट के बेबी को किड, गोट के बेबी को किड। और फिर लायन के बेबी को कब, लायन के बेबी को कब। और पिग के बेबी को पिगलेट, पिग के बेबी को पिगलेट, पिग के बेबी को क्या बोलेंगे पिगलेट, ओके। ट्वेल्व है डक के बेबी को डकलिंग, ओके। हैन के बेबी को चिक, कैट के बेबी को किटन, डियर के बेबी को फाउन, शीप के बेबी को लैम्ब, हॉर्स के बेबी को फोल, काउ के बेबी को काफ, डॉग के बेबी को पपी, एलिफेंट के बेबी को काफ, गोट के बेबी को किड, लायन के बेबी को कब, CUB कब, पिग के बेबी को पिगलेट, और डक के बेबी को डकलिंग, ओके। डक जो पानी में व्हाइट कलर की डक होती है उसको हम क्या बोलते हैं डक, जो स्विमिंग इन वाटर पानी में जो तैरती रहती है वो बर्ड को हम क्या बोलते हैं डक। डक किस कलर की होती है व्हाइट कलर की, उसके जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं पानी में जो तैरते हैं उसको हम कहते हैं डकलिंग, क्या कहते हैं डकलिंग। तो डक के बेबी को हम क्या बोलेंगे डकलिंग, डक के बेबी को डकलिंग। अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं द यंग वन ऑफ ए हैन इज कॉल्ड चिकन, हैन के बेबी को हम क्या बोलते हैं चिकन, द यंग वंस ऑफ ए हैन इज कॉल्ड चिकन, द यंग वंस ऑफ ए कैट इज कॉल्ड किटन, द यंग वंस ऑफ ए डियर इज कॉल्ड फाउन, द यंग वंस of a sheep is called lamb, the young ones of a horse is called foal, the young ones of a cow is called calf, the young ones of a dog is called puppy, the young ones of a elephant is called calf, the young ones of a goat is called kid, the young ones of a lion is called cub, the young ones of a pig is called piglet, the young ones of a duck is called duckling, okay। तो ये क्या हुए हमारे young ones, animals and their babies। तो आज हमने unit 5 और 6 revise की थी और उसकी ये exercise है। आपको ऐसे पूछा जाएगा क्या Dash is the baby of the cow, cow के बेबी को क्या बोलते हैं, डैश कर देगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको बताना होगा द काफ इज द बेबी ऑफ द काउ, द डैश इज द बेबी ऑफ द कैट, द किटन इज द बेबी ऑफ द कैट, द डैश इज द बेबी ऑफ द डॉग, द पपी इज द बेबी ऑफ द डॉग, द डैश इज द बेबी ऑफ द एलिफेंट, तो काफ, ओके। नीचे ऐसा आपको मिसिंग लेटर्स दिए हैं उसको
उसको आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आज पहले आप एनिमल नेम्स ऑफ एनिमल्स और डियर बेबीज करिए, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।